ये 16 वेपर लैंप हमारे यहाँ, ये 35 वॉट के फिलिप्स कंपनी के हैं, 35 वॉट, और ये इनको डायरेक्ट मेन्स के ऊपर कभी भी यूज़ नहीं करना, ट्रांसफार्मर ही सूटेबल इसके साथ आए होते हैं उनको यूज़ करना। 3 हैं, एक सप्लाई में जा रहे हैं, और ये हमारे ऐसे ही यूज़ होते हैं, जब भी यूज़ होगा ये अपसाइड होता है, ताकि हमारे ये मेटल का, इसका जो ये मेटल के सोडियम के मेटल है, ये आपके इसमें वैपोरेट होकर अंदर इसमें पूरी ट्यूब में आती है। इसके अंदर एक नियॉन गैस भरी हुई होती है। अब देखिए मैं किसमें बल्ब में एक ट्रांसफार्मर को ऑन किया, एक बल्ब लगा दिया। पहले मैं आपको बल्ब टेस्ट करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सप्लाई करने हैं ये बिल्कुल ओके है। सेकंड वाला लगा रहे हैं, ये देखिए ये भी ओके है, ये देखिए पूरी बनी हुई है। अब मैं थर्ड टेस्ट कर रहा हूँ, और आपको ये मैंने टेस्ट करके दिखा दिया तीनों। अब ये जो है, ये जो स्पार्किंग हो रही है, क्योंकि इसके अंदर मेटल है यहाँ पे, वो इवेपोरेट हो रहा है। अब मैं इसको सेकंड ट्रांसफार्मर में दिखाता हूँ, ये वाला भी ट्रांसफार्मर चल रहा है, और ये थर्ड वाला ऑन किया मैंने, तो ये वाला भी ट्रांसफार्मर चल रहा है। ये तीनों ट्रांसफार्मर टेस्ट हो गए, तीनों वाला टेस्ट हो गए। अब मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ। ये देखिए येलो येलो लाइन दिख रही है, ये प्योर वेव सोडियम की बनेगी, और ये इसके अंदर से इवेपोरेट होते जाएंगे। अब ये एक इसमें हीटर है, कि यहाँ पे एक ये हीटर है, ये काला हो जाता है हल्का सा, कोई ख़राब नहीं है, ये जल रहा है, इसका मतलब ये नियॉन चल रही है, ये ओके की रिपोर्ट है। अब देखिए आप धीरे धीरे ये पीला होता जाएगा, और सारे का सारा ये पूरा स्ट्रांगली पीला हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता रहता हूँ। अब आपने अगर जब ये पीला फुल हो जाएगा, तब आपका सोडियम वेपर लैंप आप इस बॉक्स से, इस स्लिट से यूज कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी वेव इसको ऊपर यहाँ से करने के लिए लूज़ करके ऊपर ले जाओगे, ये लूज़ करके नीचे ले आएंगे, तो स्लिट आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। एक स्लिट इसमें यहाँ है आपके पास, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। और फोर्थ तीसरी स्लिट है ये वाली, अब देखिए यहाँ पर भी दिखाई देगी आपको, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जनरली ये ऐसे खुली हुई रहती है, दिखाई दे रही है यहाँ से लाइट, और आपको पास से दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रही है यहाँ से लाइट आ रही है, और आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर लेते हैं कई बार, ऐसे कम खोल के या इस टाइप से कम खोल के या ज़्यादा खोल के। अब देखिए इंक्रीज़ होता जा रहा है, ये ऊपर वाला येलो हिस्सा आपका, और आप देखेंगे अगर पास से, ये डार्क येलो होता जा रहा है, और ये इस समय ऑरेंज आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और दूर से दिखाता हूँ, ये आपका नियॉन लाइट है, इसको थोड़ा सा मैं कवर कर लेता हूँ। देखिए कलर कुछ येलो दिख रहा है, रेडिश, तो ये नियॉन है। अब ये देखिए और येलो होता जा रहा है, इसको कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं, और ये सारा इवेपोरेट हो जाएगा। अगर दोबारा इसको बंद हो जाए, जब ये येलो हुआ है और ये बंद हो जाए, तो स्टार्ट होने में जब तक ये कूल डाउन नहीं होगा नहीं चलेगा, ख़राब नहीं होता है बल्ब, जब तक ये कूल डाउन नहीं होगा नहीं चलेगा। एक बार ये कूल डाउन हो गया, दोबारा मेटल के यहाँ हो गए, फिर चलता है। कंटिन्यूसली इसको जितना मर्जी यूज़ करो, आपने हिलाना नहीं है, इसको ऑफ नहीं करना है, और दोबारा स्टार्ट करने के लिए इसको कूल डाउन होने देना चाहिए। यहाँ ऊपर का येलो पार्ट और बढ़ता जा रहा है, फुल हो जाएगा। जब इसको यूज़ कर लिया आपने, तो इसको ऑफ कर देना। एक ही प्रिकॉशन है कि ये जब भी इसको आपने यूज़ कर लिया, तो ये ठंडा होने दो, ताकि यहाँ से इसकी वाइब्रेशन होके दोबारा आ जाए, और इसको निकालना नहीं है आपने, बल्ब को हिलाना नहीं है, और ये डायरेक्ट मेन में आपने कभी नहीं लगाना। अगर ये ट्रांसफार्मर गलती से यहाँ लगा दिया इसमें, तो ये बल्ब ख़राब हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी, कंपनी की वारंटी सिर्फ यहीं तक है। अब आप देखिए मैं दोबारा इसके अंदर लगा रहा हूँ और ऑन कर रहा हूँ, तो अभी ये स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी ये नियॉन चल रहा था, पर एक बार ये फुल येलो हो जाए, तो उसके बाद ये स्टार्ट तब तक नहीं होगा जब तक ठंडा ना जाए। अब हमारी दूसरी वीडियो देखिए, कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ ट्रांसफार्मर, हाउ टू यूज़ द डिफरेंट वीडियोस, हमारा ये सब्सक्राइब कर सकते हो, व्हाट्सअप है, और ये हमारा ईमेल abron01@gmail.com, info@abronexports। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच।